स्वीटी बेटा, आप अभी तक रेडी नहीं हुए हो, लड़के वाले आ गए हैं। ओफो मम्मा, मैं रेडी तो हो गई हूँ, लेकिन इस फेस का क्या करूँ? ओफो बेटा, बस इतनी सी बात। ये लो शेरन लवली क्रीम, इसे लगा के तुम्हारा 2 मिनट में चेहरा ग्लो करेगा बेटा। रियली मम्मा? यस, मैं अभी लगा के अभी आई। ओके बेटा। देखो आ गई मेरी बेटी। अरे ये कहाँ गया? हे सुंदरी, प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये है शेरन लवली का जादू। ये ले स्वीटी बेटा शेरन लवली क्रीम, इसे लगा और फटाफट नीचे आ जा, लड़का तेरा वेट कर रहा है। ठीक है मम्मा, मैं अभी आ जाती हूँ। लो आ गई मेरी बेटी, एकदम हूर की परी है, इस दुनिया की तो लगती भी नहीं है। अरे बेटा यहाँ बैठ। आंटी जी आप सही कह रहे थे, ये तो इस दुनिया की है ही नहीं, एलियन है एलियन, इसे अपने ग्रह पर भेजो। ये क्या कर रखा तूने? लगता पूरी फैमिली एलियन है, भागो यहाँ से। अरे स्वीटी बेटा ये क्या किया तूने? मम्मी ये है शेरन लवली। ये सब्जी भी खराब हो गई, लगता है इस फ्रिज का कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ मम्मा? देखना बेटी ये फ्रिज खराब हो गया, सारी सब्जियां खराब हो गई हैं। तो नया ले लो ना मम्मा। अच्छा और इसका क्या करूं? इसको रोलेक्स में बेच दो। है रोलेक्स? हाँ, बस फोटो खींचो, प्राइस लिख दो और अपलोड कर दो। फिर? अरे ये फ्रिज कहाँ गया? ये लो बिक गया पूरे 50,000 रुपए में। क्या? पर ये तो हमने 5,000 में लिया था। यही तो बात है, रोलेक्स में बेच दो। क्या करूँ इस फ्रिज का, ये फ्रिज तो बिल्कुल काम ही नहीं करता। अरे क्या हो गया मम्मी, क्यों चिल्ला रहे हो? ये फ्रिज भी ना तेरी तरह कबाड़ा हो गया है, काम ही नहीं करता। ओफो मम्मी, बस इतनी सी बात, अभी रोलेक्स में बेच देती हूँ, कोई आ जाएगा इसको खरीदने के लिए। करी मैंने फोटो अपलोड, देखना अभी कोई आएगा और चुटकियों में से ले जाएगा यहाँ से। हेलो, हाँ भैया हमें बेचनी अपनी फ्रिज। 150 रुपए? 10,000 की फ्रिज 150 रुपए में? भैया आपका दिमाग तो ठीक है, आज के बाद यहाँ फोन मत कर देना। अरे नहीं नहीं भैया, फ्रिज के साथ एसी थोड़ी ना फ्री में आएगा। क्या बात कर रहे हो, जहाँ से आपको मिले ना वहाँ से ले लो। कैसी बात कर रहे हो भैया, फ्रिज में नहीं है सोने का स्पेस, फ्रिज में कौन सोता है? फोन मत करना आज के बाद। क्या मम्मी, कैसे कैसे सवाल पूछते हैं ये लोग। स्वीटी बेटा स्माइल टू स्माइल। लेकिन मम्मी आप मेरी पिक्चर्स क्यों क्लिक कर रहे हो? अरे वो क्या है ना स्वीटी बेटा, अब तू तो फ्रिज बेच नहीं पाई और तू भी मेरे लिए कबाड़ी है, तो मैंने सोचा तुझे ही रोलेक्स में बेच देती हूँ। क्या स्वीटी बेटा, स्माइल टू स्माइल। स्वीटी ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? हाँ ये ले 4-star चॉकलेट का और खो जा। ये सही है।
सर्दियां आ गई हैं, ये लोग अब तक लड़ रहे हैं, आग जलाकर तप रहे हैं। अरे तू वो सब छोड़ना, तू चॉकलेट खाओ और खो जा। 4-star चॉकलेट खाओ और खो जाओ। स्वीटी की बच्ची, तुझे कितनी बार बोला है मैंने कि बेड पर ही गीला टॉवल मत रखा कर, और तुझे तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। क्या यार मम्मी, सुबह सुबह शुरू हो गई है, सारा मूड खराब कर दिया। एक काम करती हूँ, 4-star खा लेती हूँ, फिर मैं खो जाऊंगी। हाँ, तेरी माँ तुझे डांट रही है और तू ये चॉकलेट खा रही है, स्वीटी की बच्ची। लेकिन मम्मी ये तो 4-star है ना, इसको खाकर तो खो जाते हैं। अच्छा अब तुझे मैं खोती हूँ, रुक जाना 2 मिनट। मम्मी नहीं। मुझे कॉलेज में 1st prize मिला है स्पोर्ट्स में। वाओ मेरा बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन मम्मा ये दाग। अरे बेटा कोई बात नहीं, कुछ अच्छा करने से दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं। परफेक्ट सर, कुछ अच्छा करने से दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं। मम्मी देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तूने मेरा कुर्ता पहन लिया, ये तो मेरा है ना। अरे तो क्या हो गया, जो आपका है वो मेरा ही तो होगा आगे चलकर। चलो हटो, मैं नाश्ता बनाऊंगी आज। देख वो सब तो ठीक है, अगर मेरा फेवरेट कुर्ता तूने गंदा किया ना तो तेरी खैर नहीं है। हाँ हाँ आप टेंशन मत लो। स्वीटी तूने ये क्या किया, तूने मेरा फेवरेट कुर्ता गंदा कर दिया। ओफो मम्मी, मैं तो कुछ अच्छा ही बनाने जा रही थी ना, और कुछ अच्छा करते टाइम दाग लग गए तो दाग अच्छे है। चलो मैं कुछ बनाती हूँ आपके लिए, आप टेंशन मत लो। हाँ, स्वीटी की बच्ची तूने मेरे सूट पर चटनी गिरा दी। अरे मम्मी आप टेंशन मत लो, ये साफ हो जाएगा, दाग तो अच्छे है ना। अच्छा तुझे तो मैं बताती हूँ, चल साफ करके दिखा, चल खड़ी हो। मम्मी ये देखो, मम्मी ये कपड़ा डाला मैंने पानी में और डाला थोड़ा सा बर्फ एक्सेल, अब देखो कैसे दाग साफ हो जाएगा। अच्छा और अगर नहीं हुए तो? अरे अगर नहीं हुआ तो आप जितना चाहे उतना पीट लेना मुझे। और ये देखो हो गया दाग गायब। गायब की बच्ची, दाग तो गायब नहीं हुआ पर मैं तुझे गायब कर दूंगी। अरे लेकिन ये गायब क्यों नहीं हुआ, दाग इतने भी अच्छी नहीं है कि ये रुके हुए। हाँ और अब मैं तुझे बताती हूँ दाग की बच्ची। ये लीजिए मैम। भैया कितना हुआ? मैम आपके 700 रुपए हो गए। ठीक है भैया, मैं तो कैश लेके नहीं आई। कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए स्कैनर, एटीएम कर दीजिए। अब स्कैन करो और एटीएम करो। ये लो मैडम। भैया मेरे पास तो कैश नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, ये लो स्कैन करके एटीएम कर दो। हो रहा है भैया। अरे मैडम हो गया क्या? बस भैया हो गया, लगता है नेट स्लो है। अरे मैडम दूध का दही बन गया है, आपका पेमेंट कब होगा? बस भैया 2 मिनट। अरे मैडम अब तो दही का भी लस्सी बन गया है, अब तो कर दो पेमेंट। ओहो भैया ये तो कैंसिल हो गया, अब क्या करूं? हाँ एक काम करो, आप ये फोन रख लो, मैं तब तक घर से जाके कैश ले आती हूँ। हे
हे गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना संजारी का ब्लॉग।